हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मेरी ठाकुर हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या बारिश में आपको भी तला भुना खाने का शौक है? और तला भुना खाकर या फिर बाहर का कुछ भी खाकर आपके पेट में भी अगर दर्द शुरू हो जाता है, तो ये जो नेचुरल तरीके, घरेलू तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे आपको पेट दर्द में बहुत ही राहत मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, पेट दर्द होना बहुत आम समस्या है। बारिश में ज़्यादातर लोगों को बाहर का खाना या तला भुना खाने के बाद गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, पेट फूलना, कब्ज हो जाना, दस्त लगना या फिर पेट दर्द, ये सारी समस्या हो सकती है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू तरीके भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ही नेचुरल होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको पेट दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। तो आज मैं ऐसे इफ़ेक्टिव 3 घरेलू नुस्खे आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका पेट दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं, ताकि जब भी हमारे चैनल पे नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें और देख पाए सबसे पहले। और फ्रेंड्स, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वो 3 इफेक्टिव घरेलू नुस्खे कौन से हैं जिससे आपको पेट दर्द में बहुत राहत मिलने वाली है। सबसे पहला घरेलू नुस्खा है अदरक। फ्रेंड, अदरक में एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हमारे पेट दर्द में हमें बहुत ही राहत देते हैं। और ये हमें किचन में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हम अदरक का इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों में घर में करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अदरक ही आपके पेट दर्द को ठीक करेगा। आपको अदरक को थोड़ा सा गैस पे गर्म कर लेना है और उसके बाद उसे छील के, मतलब उसका छिलका निकाल के, आपको थोड़ा सा टुकड़ा मुँह में दबा लेना है। आप दांत से थोड़ा थोड़ा उसे चबाइए और जो रस निकलता है उसे निगल जाइए। ऐसा करने से पेट दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा पानी ले लें पैन में, उसे गर्म करें, उसमें अदरक के टुकड़े डाल दें छील कर, और उस पानी को आपको सिप सिप करके पीना है, गर्म पीना है। ऐसा करने से भी आपका जो पेट दर्द है वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फ्रेंड, दूसरा घरेलू नुस्खा है पानी। हाँ फ्रेंड्स, अगर पानी को सही तरीके से आप पीते हैं तो पेट दर्द में आपको ये पानी ही काफ़ी राहत दिला सकता है। पर यहाँ पे आपको पानी पीना है थोड़ा गर्म, मतलब वार्म वाटर आपको पीना है। इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और आपको इसे सिप सिप करके पीना है। पेट दर्द में बहुत राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हमें अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है, उसके लिए शरीर को जितने पानी की ज़रूरत है वो पानी शरीर को चाहिए, उससे हम हेल्दी रह सकते हैं। जैसे सब कहते हैं दिन में 8 से 10 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए, तो वैसे ही अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो पानी अच्छे से पिए, तो उससे आपके पेट दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है गर्म पानी पीना, तो आप जूस ले लीजिए, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के पी लीजिए, गर्म सूप पीजिए, ये भी आपको पेट दर्द में बहुत राहत देगा। फ्रेंड्स, तीसरा इफेक्टिव तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो है दही। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो घर में कोई भी हमें सजेस्ट करता है कि आप सादी खिचड़ी खा लीजिए और उसके साथ में दही खा लीजिए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दही में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अपनी पाचन क्रिया को सुधारना चाहते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो भी आपको डेली दही या छाछ का सेवन करना चाहिए। इससे आपके पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी होगी। जब खाना अच्छे से पच जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है पेट दर्द की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये इफेक्टिव लगा है और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड रिलेटिव में शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं मेरी ठाकुर ऐसा ही इफेक्टिव वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।